नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी YouTube चैनल पर। तो आज मैं आपके लिए एक मोबाइल की खास सेटिंग्स के बारे में बता रहा हूँ जो काफ़ी खास है, और ऐसी आपसे गलती भी हो सकती है सेटिंग में, और तब आपको कई सारी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। तो हम यहाँ पर भी वो प्रॉब्लम हो गई है हमसे, तो चलिए उसको हम सॉल्व करके देखते हैं कैसे उसको हम सॉल्व करेंगे। वीडियो को पूरी ध्यान से देखना। तो आप यहाँ पर समझ सकते हैं, ये देख लीजिए मोबाइल है, और इसमें यहाँ पर कुछ भी हम दबा रहे हैं तो यहाँ पर क्लिक भी नहीं मान रहा है, और ये टॉक बैक वापस बोल रहा है कुछ भी। तो हम जिस पर क्लिक करते हैं वो उसको भी बोल रहा है। तो सबसे पहले आपको मैं ये बता देता हूँ कि आपसे ये प्रॉब्लम कैसे हो सकती है, आप कैसे इसको कर पाए हैं। तो इसका होने का ये तरीका है, आपको पहले सेटिंग में जाना है, और यहाँ पर आपको स्मार्ट असिस्टेंट पर यहाँ पर क्लिक करना है इसमें मोबाइल में, और इसमें यहाँ पर आपको एक्सेबिलिटी पर क्लिक कर देना है। तो आप इस पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर ये दिया हुआ है टॉल बैक, इसको आपसे ये ऑन हो जाएगा, तो इससे ये प्रॉब्लम आ जाती है। तो ये प्रॉब्लम आ जाने के बाद आप इसको सॉल्व करने के लिए आपको बहुत ही समस्या का सामना करना पड़ सकता है, इसलिए आपको इस तरह करना है। चलिए मैं आपको बताता हूँ, आपको मोबाइल आपका ये प्रॉब्लम से जूझ रहा है, यहाँ पर आप ऐसे ही बोल रहा है, तो आपको उस पर डबल टैप करना है, और दोनों फिंगर से आप क्लिक करके आपको ऊपर सरकाना है इसको विंडो को, और आप डबल टैप करेंगे तो आप जा सकते हैं एक्सेलेरिटी और सेटिंग्स पर। तो इस प्रकार आप एक्सेलेरिटी पर भी डबल टैप करेंगे और इस तरह आप पहुंच जाएंगे टॉर्क बैक पर। यहाँ पर आपको फिर टॉर्क बैक पर डबल क्लिक करना है, और जब आप डबल क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपको बटन पर डबल टैप करके इसको बंद कर देना है। इस तरह आप इस मोबाइल से ठीक पहले जैसा कर पाओगे। अगर आपको वीडियो और जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें। धन्यवाद। यहाँ देख ले तो बंद।